If alpha plus beta equal to 4 and alpha square plus beta square equal to 44, then alpha beta are the zeros of what polynomial? और यहाँ पर हम लोगों को four polynomials दे रखे हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए दो कंडीशंस दे रखी हैं और इन दो कंडीशंस पर हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए कि अल्फा बीटा जो कि यहाँ पर मेंशन है वो इन पॉलीनोमियल्स में से किस पॉलीनोमियल के और जीरोस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशंस हम लोगों को दे रखें, एक बार इन दो कंडीशंस को लिख लेते हैं। तो पहली कंडीशन हम लोगों को दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। जबकि दूसरी कंडीशन में हम लोगों को दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 44 के इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस कंडीशन पर काम करेंगे और इसको चेंज करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा एंड दिस इक्वल टू 44 है। इधर एज इट इज रखिए, अल्फा प्लस बीटा की हम लोगों के पास में वैल्यू है 4, रख देते हैं इसके प्लेस पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 4 और क्योंकि इसका स्क्वायर है लगा देते हैं, माइनस का 2 अल्फा बीटा एज इट इज रखा एंड दिस इक्वल टू 44। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये बन जाएगा 16 माइनस का 2 अल्फा बीटा एंड दिस इक्वल टू 44। अब इस टर्म को तो इधर ही रखिए और इसको कर देते हैं हम लोग ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या मिलता है हम लोगों को, माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 44 माइनस 16। इस तरीके से माइनस 2 अल्फा बीटा की जो वैल्यू निकल कर आती है, देखो 44 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 28। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हुई, 28 अपॉन में माइनस का 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो क्या मिला हम लोगों को, माइनस का 14। मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 14 है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों के पास में दो पॉइंट्स हैं। हम लोगों के पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यानी कि सम ऑफ जीरोज है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। और अगर हम लोगों को कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो रख देते हैं सम की जगह पर सम रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और प्रोडक्ट की जगह पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देते हैं। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, 4, और इंटू में क्या है, एक्स है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, माइनस का 14। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो क्या मिलता है पॉलीनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस का 14। और ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।